मैंने उस चीज को कल अवॉइड कर दिया। यहां के एक अखबार में खबर छपी, एक ट्रक पकड़ा जिसमें लाखों रुपए की दवाइयां जा रही थी, कर चोरी कर लिया। मैंने कहा भाई क्या मामला है? तो पतंजलि के जो औषधियां और दिव्य फार्मेसी में जो उसके और पतंजलि आयुर्वेद में जो प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसे चार यूनिट्स हैं, एक पदार्था में, फिर D38 में दो, और एक ये नर्सरी के पास। तो मैंने पूछा कि भाई तुम ये क्या आपस एक दूसरे यूनिट का क्या ये कैसे करते हो? तो दिन भर में करीब 7 से 8 ट्रक सामान, जिसको इंटरनल जो कहा जाता है स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, जहां से सेंट्रल बिलिंग होती है। तो बोलिए तो हम करीब 200 ट्रक करते हैं हर माह। तो उसके अंदर जो स्टॉक ट्रांसफर के लिए जितने पेपर होते हैं उतने पेपर होते हैं उसके अंदर, तो सामान्य सभी एक बिल्कुल कम बुद्धि वाला आदमी भी समझता है। और देश में हवा खड़ा कर दिया, काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाले बाबा रामदेव के यहां भ्रष्टाचार। मैंने इतनी झूठ, मतलब जिसका बिना सिर पैर की बस शुरू कर दी। मैंने पता लगाया वो जिस ट्रक का नंबर दिया गया UK086 1740, वो पदार्था से जो इंटरनल जो सेंट्रल जो स्टॉक ट्रांसफर की बिलिंग की जहां व्यवस्था है वहां पर उसको भेजा जा रहा था। ये तो रोज होता है काम। बस अब इसके बाद में आप सफाई देते रहो, पूरे देश में प्रचार कर दिया बाबा के यहां भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती होगी, रोज क्यों छपे अखबार में। हमने कहा भाई अब ऐसा है, तुमने हिंदुस्तान की सारी एजेंसी लगा ली, गंगा की रक्षा के लिए कोई एजेंसी काम नहीं करेगी। वो प्राधिकरण की बैठक भी जैसे हमारे स्वामी जी बता रहे थे पिछले 2.5 सालों में 2 बार हुई, और वो बैठक भी औपचारिक बैठक है। देश का गोला बारूद खत्म हो गया उसकी कोई चिंता नहीं, दुश्मन वार करे उसके सैटेलाइट लगे हैं उसकी कोई चिंता नहीं, बाबा को बदनाम करना है क्योंकि उसकी चिंता है, तो हम मोस्ट वांटेड पर्सन हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं, भाई सारी दुनिया की एजेंसियां लगा दी तुमने, सारे देश की IB से लेकर CBI से लेकर के, तुम ये बता दो कि बाबा ने 1 रुपए की कहीं चोरी की हो, हेरा फेरी की हो। मैं 2 बातें कहता हूं, कोई भी इलीगल काम किया हो, इमोरल काम किया हो, अनैतिक काम किया हो या गैर कानून असंवैधानिक काम किया हो, कोई माइका लाल बता दे, यूं तुम बदनाम कितने ही करते रहो। अब तो देश के लोगों ने भी सोच लिया है बाबा के साथ तो पंगा हो रखा, कुछ ना कुछ झूठ बोलते ही रहेंगे। इसलिए मैंने तो आजकल स्पष्टीकरण देना भी ज्यादा बंद ही कर दिया, लेकिन फिर भी बाबा जी थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ेगा। मैंने कहा अब रामनवमी से आर पार की जंग शुरू होगी, देश का लूटा हुआ हक भी उसको देना पड़ेगा, और आगे से न लूटे हिंदुस्तान इसके लिए भी इंतजाम करना पड़ेगा। गंगा भी बचेगी, गोमाता भी बचेगी, भारत माता बचेगी, इस भारत माता के जो 121 करोड़ संतानें हैं वो भी बचेंगी। अब इस पूरे अभियान में प्राणार्पण से, अब जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि 4 भिक्षुओं ने अपनी गंगा जी के लिए अपनी तपस्या और उसके लिए अपना प्राण अर्पित करने का संकल्प ले लिया है, अब तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को इस संकल्प लेना होगा, और हम गंगा माता को भी बचाएंगे और भारत माता को भी बचाएंगे। एक बार पुनः हम स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करते हैं।